हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रीजा। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्पंज डोसे कैसे बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितनी सारी जाली बनी है इस डोसे को, और मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसको कैसा भी फोल्ड करूँ तो ये बिल्कुल नहीं टूट रहे, यानी कि ये परफेक्ट स्पंज डोसे बन करके तैयार है। बनाने में ये बहुत ही आसान है। चलिए तो फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है उड़द दाल, पोहा। यहाँ पे मैंने मोटा पोहा लिया है जो हम पोहा बनाने के लिए यूज करते हैं, और लिया है राइस। अब कितना प्रपोर्शन लेना है मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी लेना है उड़द दाल, उसी कटोरी से हम लेंगे एक कटोरी पोहा, और उसी कटोरी से हम लेंगे 5 कटोरी राइस, यानी कि 1:1:5 ऐसा प्रोपोर्शन रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, और इसमें पानी डाल करके 2-3 बार अच्छे से इसको धो लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने धो दिया है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और 6 घंटे के लिए भिगोकर इसको रख देते हैं। यहाँ पे 6 घंटे हो गए हैं, तो ये एकदम अच्छे से भीग गया है। अब हम इसको मिक्सी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से एक स्मूथ बैटर इसका बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बैटर बना दिया है, और आप देख रहे हैं कि मैंने कंसिस्टेंसी कैसी रखी है बैटर की। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें बैटर की रखनी है। अब हम इसको 10 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे मैंने पूरे 12 घंटे भिगोया, इसको छोड़ दिया था, और ये देखिए कि ये एकदम अच्छे से बैटर फूल गया है। और आप देख रहे हैं ना कि कितने सारे बबल्स इसमें से निकल रहे हैं। ऐसे ही बबल्स बैटर में आने चाहिए, तभी ये डोसे जो हम बनाएंगे वो एकदम स्पंजी बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसको हम एकदम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि इसको आपको बिल्कुल भी नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथ से इसको 1-2 बार मिक्स कर लेना है। चलिए, यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स किया है, और यही कंसिस्टेंसी रखनी है, ज्यादा पतली नहीं और गाढ़ी नहीं। चलिए, यहाँ पे पैन भी गर्म हो गया है। अब हम बैटर डालने से पहले ध्यान रखें कि आप इसके ऊपर पानी छिड़के, ताकि 10 सेकंड के लिए ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए बैटर डालते समय, और उसके तुरंत बाद बैटर डालना है। और आपको डोसा जो बनाना है वो थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ये आप ध्यान रखें। और आप देख रहे हैं ना कि ऊपर एकदम कैसे तुरंत छेद बनने लगे है, यानी कि हमारा डोसा एकदम परफेक्ट बनने वाला है। जैसे ही ऊपर का बैटर सूखने लगेगा, तो हम ऊपर डालेंगे बटर, और फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, ऊपर से बैटर पूरा सूख गया है। अब सूखने के बाद ही हमें इसको पलट देना है, और आप देख रहे हैं ना पीछे से भी कैसे एकदम छेद बन गए है, यानी कि जाली दिख रही है ना। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए ऐसे ही रोस्ट करेंगे और फिर पलट देते हैं। ये देखिए, एकदम अच्छा कलर भी आया है डोसे को, और आप देख रहे हैं कि कितनी सारी जाली बनी है डोसे में, यानी कि एकदम परफेक्ट डोसा हमारा बनेगा। वाओ, ये देखिए। चलिए, मैं इसको निकालती हूँ प्लेट पर। अब ध्यान रखिए, दूसरी टाइम भी आपको वैसे ही करना है, पानी छिड़कना है और फिर बैटर डालना है, और पूरे टाइम आपको गैस का फ्लेम हाई ही रखना है, मीडियम हाई के बीच में ही रखना है, तब
तभी आपके डोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए दूसरा डोसा भी मैंने बना दिया है और आप देख रहे हैं कि दोनों डोसों में कितनी सारी जाली बनी है और मैं इसको कितना भी फोल्ड करूं तो भी ये बिल्कुल नहीं टूट रहे। यही साइन होता है एक परफेक्ट स्पंज डोसा का कि आप कैसे भी इसको फोल्ड करें ये टूटेगा नहीं। ये देखिए अगर आप इसी तरह से छोटे छोटे टिप्स के साथ ये डोसा बनाओगे तो आपके भी डोसे ऐसे ही स्पंज बनेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें और भी मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाय बाय।